राहुल गांधी के सामने राजस्थान भी पंजाब जैसा ही चैलेंज है। पंजाब कांग्रेस ने विवाद तो 2017 में सरकार बनने के बाद शुरू हुआ था। चुनाव नतीजे आने के बाद राजस्थान कांग्रेस में नया बवाल शुरू हो गया मुख्यमंत्री पद को लेकर। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी वैसी ही मुश्किलें आई। मध्य प्रदेश में तो पहले ही सत्ता हाथ से फिसल गई, जबकि पंजाब में चुनाव के बाद। रही बात छत्तीसगढ़ की तो मामला बस खींचा जा रहा है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को टालने का बहाना भी मिल जाता है। कुछ दिन यूपी चुनाव में प्रियंका गांधी के मददगार बने रहे तो बाद में प्रवर्तन निदेशालय की कृपा से गांधी परिवार के बचाव में मोर्चा संभालते रहे। बेचारे टीएस सिंहदेव कभी इस्तीफे के बहाने तो कभी किसी और तरीके से राहुल गांधी को अपने वादे की याद दिलाते रहे, लेकिन भूपेश बघेल मुख्यमंत्री बने हुए हैं। भूपेश बघेल के साथ साथ राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी सोनिया गांधी और राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ के दौरान कांग्रेस का बचाव करते हुए बीजेपी नेतृत्व पर हमला बोलते रहे और इतने भर से ही दोनों का काम चलता रहा। राजस्थान को लेकर जिस तरह राहुल गांधी एक्टिव है, लगता तो यही है कि छत्तीसगढ़ को लेकर भी वो कोई न कोई अच्छा रास्ता निकालने का प्रयास करेंगे ही। फिलहाल राजस्थान में अपनी टीम से एक सर्वे कराकर राहुल गांधी ने सचिन पायलट और उनके समर्थकों का हौसला कम नहीं होने दिया है। राजस्थान के सर्वे से यह भी समझा जा सकता है कि पंजाब में जो कुछ हुआ राहुल गांधी को उससे सबक मिला है और वो गहलोत या पायलट में से किसी एक को नवजोत सिंह सिद्धू बनाने के पक्ष में नहीं लगते। पंजाब चुनाव 2022 में कांग्रेस की हार के तो बहुत सारे कारण रहे, लेकिन सिद्धू के इशारों पर कांग्रेस की भाई बहन की जोड़ी का नाचते रहना ताबूत की कील साबित हुआ। राजस्थान के मामले में भी अब तक तो यही देखने को मिला था कि मुख्यमंत्री होने के साथ साथ सिद्धू वाली भूमिका में भी अशोक गहलोत ही रहे, लेकिन राहुल गांधी अब नहीं चाहते कि सचिन पायलट के साथ भी नाइंसाफी हो। सर्वे की बात से तो यही लगता है, लेकिन ये सर्वे भी बेकार की कवायद साबित हो सकती है अगर पंजाब जैसा ही हाल कर दिया गया। कहने को तो राहुल गांधी अपने स्तर पर पंजाब से भी अब फीडबैक ले ही रहे थे। सोनिया गांधी ने मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में एक कमेटी जरूर बनाई थी, लेकिन राहुल गांधी अपने स्तर पर विधायकों से अलग अलग बात कर जमीनी स्थिति को समझने की कोशिश कर रहे थे। राजस्थान कांग्रेस को लेकर राहुल गांधी की पहल पर सर्वे जुलाई 2022 में कराया गया है। हालांकि बताया यह भी जा रहा है कि कांग्रेस की तरफ से पिछले साल भी ऐसा ही सर्वे कराया गया था। सर्वे में मुख्य रूप से तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट के बारे में राय ली गई है, लेकिन उन बातों पर भी जोर दिखता है जिसे सचिन पायलट बार बार सवाल उठाते रहे हैं। फिर सचिन पायलट ने याद दिलाना शुरू किया कि जनता से किए गए वादे पूरे क्यों नहीं किए जा रहे हैं। सचिन पायलट ने ये बातें तब भी उठाई जब झगड़े के बाद बीच बचाव कर प्रियंका गांधी वाड्रा ने सचिन पायलट की राहुल गांधी से मुलाकात कराई थी। सचिन पायलट माने भी तभी जब राहुल गांधी ने लोगों से किए गए वादे पूरे करने को लेकर आश्वस्त किया, लेकिन कभी कोविड के नाम पर तो कभी अपनी तबीयत ठीक न होने का बहाना लेकर अशोक गहलोत मामला टालते रहे। ये हाल तब रहा जब सचिन पायलट कोई नई मांग नहीं बल्कि वे काम करने को कह रहे थे जो राहुल गांधी ने जनता से वादे किए थे। बहरहाल बाद में अशोक गहलोत मान भी गए और नवंबर 2021 में मंत्रिमंडल विस्तार कर असंतुष्टों को शांत कराने की कोशिश की गई। सचिन पायलट का भी ख्याल रखा गया। अब जबकि अगले विधानसभा चुनाव में करीब 1.5 साल बचे हैं, राहुल गांधी का माथा ठनका है। वैसे भी ले देकर कांग्रेस की अपने बूते सिर्फ 2 ही राज्यों में फिलहाल सरकार भी है। अभी तक यही देखा गया है कि एक अरसे से राजस्थान के लोग बारी बारी कांग्रेस और बीजेपी को आजमाते रहे हैं। राहुल गांधी चाहते हैं कि 2023 में ये परंपरा टूट जाए। राहुल गांधी की टीम ने सर्वे के जरिए कांग्रेस सरकार के कामकाज, मंत्रियों विधायकों के प्रति लोगों का नजरिया और उनका कनेक्ट कितना है यह सब जानने की कोशिश की है, लेकिन ज्यादा जोर अशोक गहलोत और सचिन पायलट पर ही है। सर्वे के जरिए यह जानने की कोशिश हुई है कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट में से कौन राजस्थान में ज्यादा लोकप्रिय है। सर्वे नतीजे की खबर आने से पहले ही दोनों ही नेताओं के समर्थक अपने अपने दावे कर रहे हैं। अशोक गहलोत के समर्थक कह रहे हैं कि सर्वे की रिपोर्ट उनके हक में आने वाली है, जबकि सचिन पायलट के समर्थक नतीजे आने के बाद मुख्यमंत्री तक बदले जाने का दावा कर रहे हैं।
खास बात यह है कि राहुल गांधी ये जानने और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट में से कौन ऐसा है जो राजस्थान में कांग्रेस वापसी करा सकता है। यह भी तो जरूरी नहीं कि अशोक गहलोत या सचिन पायलट में से जो ज्यादा लोकप्रिय हो वो सत्ता में कांग्रेस की वापसी भी करा दे। राजस्थान के सभी 200 विधानसभा क्षेत्रों में कराए गए सर्वे की रिपोर्ट राहुल गांधी के अलावा कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और पार्टी के कुछ चुनिंदा नेताओं को सौंपी जानी है। बेशक राहुल गांधी ने राजस्थान का झगड़ा सुलझाने जमीनी स्तर पर सर्वे के जरिए करने का फैसला किया है, लेकिन ये तभी कारगर हो सकता है जब अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों के कार्यक्षेत्र और अधिकार क्षेत्र एक दूसरे से टकराए नहीं, वरना सारी कवायद धरी की धरी रह जाएगी और मध्य प्रदेश नहीं तो पंजाब का हाल वो कर रहेगा। अशोक गहलोत तो कई मौकों पर भी बता चुके हैं कि जब वो पहली बार मुख्यमंत्री बने थे तभी अपना अस्थायी इस्तीफा लिखकर सोनिया गांधी के पास रख दिया था। मतलब ये कि वो किसी और की कृपा पर नहीं बल्कि सोनिया गांधी की वजह से मुख्यमंत्री बने हैं और बने हुए हैं। सोनिया गांधी जब चाहे उनको हटा सकती है, नहीं तो जब तक उनका मन करेगा बने रहेंगे, जब तक उनका कार्यकाल है। बीच बीच में सचिन पायलट को दिल्ली बुलाए जाने की भी चर्चा हुआ करती थी, लेकिन बाद में पायलट ने खुद बयान जारी कर कहा था कि अगले 50 साल तक वह कहीं नहीं जाने वाले। बाद में एक चैरिटी कार्यक्रम में उन्होंने जीना यहाँ मरना यहाँ गीत गाया था, जिससे संकेत मिले थे कि वह राजस्थान की राजनीति से दूर नहीं होने वाले। ऐसे में एक ही उपाय बचता है कि सचिन पायलट को राजस्थान में ही रहने दिया जाए और अशोक गहलोत को दिल्ली बुलाया जाए। हाल फिलहाल कांग्रेस के नए अध्यक्ष के रूप में जिन प्रमुख नामों की चर्चा है, एक अशोक गहलोत का भी नाम है। अगर ये समझा जाए कि अशोक गहलोत के दिल्ली बुलाने की सूरत में सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बना दिया जाता है तो भी झगड़ा अस्थायी तौर पर ही खत्म होगा। कांग्रेस अध्यक्ष होने के नाते अशोक गहलोत पूरी मनमानी करेंगे। सचिन पायलट को अगर सीधे सीधे परेशान न कर पाए तो ऐसा प्रदेश अध्यक्ष ला देंगे कि वो सचिन पायलट की नई मुसीबत बन जाए, और जब कुछ नहीं कर पाएंगे तो अपने समर्थक विधायकों से हल्ला मचाने को कह देंगे। अगर राहुल गांधी राजस्थान में कुछ कांग्रेस के हित में करना चाहते हैं तो पंजाब से सबक तो ले ही ले, बीजेपी के असम प्रयोग से भी नसीहत लें। बीजेपी ने 2021 के विधानसभा चुनाव से पहले ही तय कर लिया था कि क्या करना है। हिमंत बिस्वा शर्मा ने पहले ही इरादे जता दिए थे कि मुख्यमंत्री तो वही बनेंगे। बीजेपी के पास उनकी बात मानने का कोई रास्ता भी ना था। हिमंत की वजह से बीजेपी को जितना फायदा हुआ सब मिट्टी में तो मिलता ही, अगर नाराज होकर वो कोई और कदम उठा लेते तो और भी नुकसान होता। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज़।